प्रतापगढ़ में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा पर जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उसके बाद 325 से ज्यादा सीटों से जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। वहीं अब प्रतापगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की अगुवाई में 27 दिसंबर को सातों विधानसभा में बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्ण विकास के लिए लोग सामूहिक रूप से बीजेपी को वोट करेंगे। ये जन विश्वास यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में 6 यात्राएं भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। 2017 में हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाला था, जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी को 325 से अधिक सीटें दे करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हमने 5 साल भाजपा नेतृत्व की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल जन विकास योजनाओं को लेकर के और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के ज़रूरतमंद तक और प्रत्येक लाभार्थी तक इस योजनाओं को सरकार के माध्यम से हमने किया है। लखनऊ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान रैली के जरिए कांग्रेस के तरफ से रैली का आगाज किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एमएलसी दीपक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, बीकेटी विधानसभा के प्रत्याशी ललन कुमार मंच पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सफर करके लखनऊ के बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान रैली के जरिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित किया। वहीं 2022 के चुनाव में जनता से अपील की कि कांग्रेस नेता ललन कुमार को अपना आशीर्वाद देने का काम करें। दो का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब राजनीतिक पार्टियां भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरकर जनता को रिझाने के लिए तैयार हो गई हैं। वहीं दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी मथुरा से अपनी 3 विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें मांड विधानसभा से किसान नेता राम कटेलिया का नाम घोषित किया है, तो छाता के साथ मथुरा सीट से कृष्ण कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। जी, मैं अपने प्रदेश, अपने मथुरा वृंदावन प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर जाऊंगा। सबसे पहला मुद्दा है बिजली का, जो हमारी सरकार दिल्ली में मुफ्त दे रही है। उसके बाद है शिक्षा का, जो हमारी आप देख सकते हैं हमारे दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी दशा देखिए, और हमारे उत्तर प्रदेश की आप स्कूलों की दशा देख सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य विभाग, अब दिल्ली में उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और बिजली, ये हमारी सरकार फ्री दे रही है और 24 घंटे के अंदर फ्री देगी। अगर हमारी अगर प्रदेश में सरकार बनती है 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। मुरादाबाद रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी सब्जी मंडी को हटाने के लिए रेलवे विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद मंडी हटाने को लेकर सब्जी मंडी में दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। मंडी हटाने की सूचना पर बीजेपी के विधायक भी मौके पर पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है कि 200 साल पुरानी सब्जी मंडी है, यहीं से वो कारोबार करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। विधायक ने बताया कि रेलवे अधिकारियों से बात हो गई है, फिलहाल तोड़फोड़ रुकवा दी गई है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। पासी सब ब्रादर, यहाँ मुसलमान सब लोगों का व्यापार है, सब लोग काम करते हैं। कुछ लोग करूले के रहते हैं, कुछ हनुमान मूर्ति है, कुछ बूढ़े के चुराए के, कुछ लाइन पार के, कुछ मंजूला चुराए के, सब लोग यहीं पर हैं। यहाँ हम सर कम से कम हमारे दादा लाई काम है, कम से कम 80-90 साल हो चुके हैं यहाँ। ये कपूर कंपनी है, रेलवे स्टेशन के पास में पुल के पास कपूर कंपनी। हम ये चाह रहे हैं सर, हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए, हाथ जोड़कर विनती, हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए, हमारे बाल बच्चे यहीं से पल रहे हैं, हमारी रोजी रोजगार यहीं से है। कपूर कंपनी में अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पे मंडी चलती आई है। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि रेलवे के कुछ लोग इस मंडी को हटवाना चाहते हैं। मेरी DRM साहब से इस संबंध में बात हुई है और जो भी परेशानी है, जो लोग 100 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं, 100 से अधिक परिवार का कारोबार यहाँ से चल रहा है, तो उनको एकदम से नहीं उजाड़ा जाए, इसके लिए मेरी DRM साहब से बात हुई है और इसका शीघ्र सॉल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल काम रुकवा दिया गया है और जो सॉल्यूशन होगा उसको निकाला जाएगा। महोबा के शहर के डाक बंगला मैदान में आयोजित संगीत में श्रीम
भागवत कथा के शुभारंभ के पहले विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा पहले तय मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर संपन्न हुई। यात्रा में श्रद्धालु सीताराम जयराम की धुन पर नृत्य करते हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 7 दिवसीय भागवत कथा पुराण के शुभारंभ के पहले शहर में भव्य कलश यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जैसे ही कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे तो भीड़ उनकी एक झलक पाने को टूट पड़ी। उनको सुरक्षा घेरे में रखा गया। कथावाचक ने पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ कराया। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में केपी कॉलेज मैदान में चल रहे मेले में झूले का टिकट मांगने पर दबंगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं गोली चलने से मेले में भगदड़ मच गई, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं इस दौरान घायल हुए लोगों को आनंद फानंद में मेले में मौजूद पुलिस कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कानपुर के विजयनगर चौराहे पर दास पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी कार में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिहारीगढ़ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, कई कारतूस समेत भारी मात्रा में डोडा पोस्त पिकअप गाड़ी भी बरामद की। बताया जा रहा है कि बदमाश पशु चोरी की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। वहीं पकड़े गए बदमाशों पर हापुड़ और शामली के थानों में कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को जेल भेज दिया है। थाना फतेहपुर पर मैं एक शव मिला है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा तो उस पर गनशॉट इंजरीज हैं। ये व्यक्ति थाना बिहारीगढ़ अंतर्गत एक गांव का रहने वाला है, जो कि वहीं पर एक रेस्टोरेंट है उसमें नौकरी करता था। कुछ विवाद की कुछ लोगों से बात सामने आ रही है, इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और जो तहरीर हमको मिलती है उसके आधार पर और अन्य हम लोगों ने जो क्लूज अभी तक इकट्ठा करे हैं उसके आधार पर हम लोग शीघ्र ही जो भी अक्यूज हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। बीजेपी के जनविश्वास यात्रा सहारनपुर के कई क्षेत्रों का दौरा कर सर्किट हाउस पहुंची, जहां पर मंत्री नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आराम किया। जिसके बाद सर्किट हाउस सभागार में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी को जनता का टूट प्यार मिल रहा है, लग रहा है कि बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लाकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दोबारा से काम करेगी। नहीं, लखीमपुर की घटना पार्टी ने भी, हम सब लोगों ने उसे दुखद कहा है, घटना नहीं होनी चाहिए थी और मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित SIT उसकी जांच कर रही है और उसके बाद जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगी, तो इसमें कुछ कहने का कोई बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। और हटाना ना हटाने का, अगर मान लो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कार्रवाई करेंगे। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में तमंचे की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से 5 लाख की लूट की। हेलमेट पहनकर 3 बदमाशों ने व्यापारी के प्रतिष्ठान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इसी के साथ ही बदमाशों ने व्यापारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने CCTV खंगालने का काम किया। हम लोग तो बैठे हुए बहीखाते कर रहे थे, सामने से आए करीब 6:45 बजे 3 जने और उन्होंने घाक समझते हुए पूछा क्या बात। उन्होंने अपने हाथ से कट्टे निकाल लिए या रिवॉल्वर निकाल ली और लूट के लिए उन्होंने हमारी तरफ तान दी। तो मैंने उनसे कह दिया आपको जो ले जाना वो ले जाओ, हम विरोध कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो सब जो था पैसा यहाँ वो ले गए। लगभग कितना रुपया होगा? लगभग लगभग 5 के आसपास। और सामान लेने के अलावा? दोनों मोबाइल ले गए, मेरे और मेरे बेटे का। सीतापुर के कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में SP ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पत्रकार की पिटाई मामले में SI झरिया सिंह निलंबित हो गए हैं। इसके साथ ही 3 आरक्षी भी निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दारोगा कह रहे थे कि मुझे थाने में रहने का शौक नहीं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
जौनपुर पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को आतंकित कर रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरह 403 में 400 सीटें जीतेंगे इस तरह की बात नहीं करते हैं कि वो तीन सीटें कौन सी छोड़ दी पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 380 सीटें जीतेंगे, अब 1000 सीटों पे तो चुनाव हो नहीं रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2007 में बनाई थी, अब की बार उससे कहीं ज़्यादा सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने का काम करेगी, ये निश्चित है। बलिया के फेफना विधानसभा में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय और अधिकारिता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर दिव्यांगों को उपकरण बांटने आए भारत सरकार के राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने सैकड़ों दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल बांटी और व्हीलचेयर सहित कई उपकरण बांटे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने के सवाल पर कहा कि बाल विवाह के बढ़ते संख्या की वजह से लड़कियों में बढ़ती बीमारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। Personal statement. She is very unhappy because the ED has. Yeah. You might have know how the Modi is working for the nation. How these Yogi is working for the nation. Since so many years, we see that UP is how it was underdeveloped. There is no development at all in the UP. Now you see the airports. You will see that Amul Dairy. You will see how the Kashi is developing. Ganga is developing. How the national highways are developing. How the express highways are developing. Things in the Uttar Pradesh, you know. अलीगढ़ में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो साझा रैली थी उसमें अब अखिलेश यादव वर्चुअली जुड़ेंगे। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गई हैं। हालांकि अखिलेश की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हम 3 दिनों के लिए एहतियात बरतते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज किंग ग्लास की सपा रालौद की संयुक्त रैली को अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं और सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अपील। नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उससे पहले गाजियाबाद के दासना में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया जो पूरे एक्सप्रेसवे पर यातायात से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। उसके बाद मेरठ मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। अब गाजियाबाद के कोट गांव में रहने वाले सिद्धार्थ यादव का अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। सिद्धार्थ के घर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोग बेहद खुश हैं क्योंकि खिलाड़ी उनकी गलियों में खेल कर ही आज बुलंदियों पर पहुंचे हैं। सिद्धार्थ ने गाजियाबाद का भी नाम रोशन कर दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि एक खिलाड़ी सामान्य परिवार का है और उसके पिता किराना की दुकान करते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ के अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन होने की जानकारी लोगों को मिली तो उसके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बहुत खुशी की बात होती है। शिवानी छोटा भाई हो और घर में सबसे छोटा भाई हो और वो इतना अच्छा करे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कई बार लगता भी हो खेल ही खेल में रहता है, पढ़ता नहीं है। शुरू में सबको लगता था, बट ये था कि चाचा का शुरू से मन था स्पोर्ट्स में ही, तो पहली प्रायोरिटी स्पोर्ट्स थी, सेकंड प्रायोरिटी पढ़ाई थी। तो जो चीज फर्स्ट प्रायोरिटी हो तो वो चीज़ जरूर सक्सेसफुल होती है। सिद्धार्थ की जर्नी सर 3 साल की उम्र से हुई थी और लगातार मैं 2-3 घंटे उसे देता था और 16 साल तक की उम्र तक मैंने उसके साथ जो है संघर्ष किया है। उसके बाद मेरी मुलाकात कानपुर में अजय यादव जी से हुई जो TNM क्रिकेट एकेडमी के संचालक हैं। उनसे ही मैंने राय ली थी कि मुझे एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने इसको देना था वो दे दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 113वीं जयंती पर सीएम योगी ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने किसानों को निःशुल्क ट्रैक्टर बांटे, साथ ही उन्होंने पुरुष किसानों के साथ महिला किसानों को भी सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की आवाज़ उठाई और हम चौधरी साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के विश्वास को बेच दिया गया और महिलाओं के साथ धोखा किया गया है, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा। प्रियंका ने कहा कि अयोध्या में दलितों की जमीन हड़पी गई है। प्रियंका ने कहा कि अयोध्या जमीन के कुछ टुकड़े कम मूल्य के थे और ट्रस्ट को बहुत ज्यादा कीमत पर बेचे गए थे। इसका मतलब है कि चंदा के जरिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका बंदरबांट किया गया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सुरक्षा विहार कॉलोनी में उस समय अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया जब दो पक्षों में आमने सामने से गोलियां चलने लगी। बताया जा रहा है कि यहां लगभग 7 राउंड गोलियां चली, जिसमें गोली बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र प्रताप सिंह को लग गई, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आज थाना बन्ना देवी क्षेत्र में दो पक्षों में गोली चलने का विवाद प्रकाश में आया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है किसी आपसी रंजिश को लेकर गोली चलने जैसी बात आई है सामने। चिकित्सकों द्वारा जो चिकित्साधीन है वो बताया गया है प्रथम दृष्टया ये खतरे से बाहर है एवं इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। सर, क्या भाजपा नेता थे जिनको गोली लगी और कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये हमला किया गया? ये दोनों पक्षों को अभी दिखवाया जा रहा है, मेडिकल करवाया जा रहा है और पता करवाया, जैसे इसमें एक महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और दूसरे में राजीव सिंह जी भी हैं, तो दोनों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। पूरा मामला ये है कि पिछले 6-7 महीने से इनकी एक ज़मीन पड़ी है, मेरी ज़मीन पहले पड़ी है, इन्होंने एक रमाडा के सामने ज़मीन ली थी, उसमें से इनने 30 फुट का रुख निकाला है, उसको लेकर के ये 6 महीने से कंटिन्यू दबाव बनाए जा रहे हैं। इनसे बात भी हुई, बात होने के बाद में आज इन्होंने खाम खां का मुझे करा टेलीफोन करीब करीब 6 बजे से पहले टेलीफोन करा, तो मैंने कहा भी ऐसा है बैठ कर मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, तो बोले आप मेरे बारे में ये कह रहे थे वो कह रहे थे, खाम का एक एलिगेशन जो होता है इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने दोबारा मैंने तो दोबारा फिर इन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दी।